लगातार झूठ बोलते हैं, शेर खास तौर से रियाकार कहते हैं जो तंद भंद करते हैं। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो यह है कि फनकार झूठ बोलते हैं। बहुत बड़ी भारत की प्रतिष्ठित गायिका के आम गए थे मॉरिशस ले जाने के लिए, बाबू कृपा शंकर सिंह जी ने हुक्म, हम तीनों जाने वाले थे। पहला इशारा ये हुआ कि हमारा पुणे में बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे 40 लाख रुपए आप दान कर दीजिए, हम मुफ्त में आ जाएंगे। तो यही नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, अजब तो ये है कि फनकार झूठ बोलते हैं। सर सियासी माने राजनीतिक, सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। शेर खास तौर से सुनिएगा कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, शेर ये हुआ है कि हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। सर कौन सी न्यूज छपवानी बताइए, कल सुबह छपवा देता हूं। हमारे शहर के, परसों फडणवीस जी ने मेरा सम्मान किया है, आज तो शायद वायरल है हर जगह पे मेरी अजमत के लिए उन्होंने, और भाग्यशाली हूं कि 8 जुलाई को लातूर में विलासराव देशमुख जी के यहाँ मुझे बुलाया गया है सिर्फ मेरी इस बेबाकी के ऊपर के हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। और अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। एक शेर और सुन लीजिए कि हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से ये गजल आप सबको पेश कर रहा हूं। मैं हिंदू, इनका बेटा मेरा दोस्त, हालांकि मेरी उम्र भी 68 साल है, गाजी साहब मेरे मोहसिन हैं, 20 साल के हमारे मरासिम हैं। बहुत साधारण जबान में सुनिए, कहीं अजान है तो उसको आरती कहते हैं, कहीं वजू है तो उसको आचमन कहते हैं। सीधी सीधी बात, वो मेरा भांजा है इरफान भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, तेरे घर में जो कुछ बना हो मेरा हक बनता है। सरकार दो आलम ने कहा था, अगर पड़ोसी भूखा है तो रिस्क जायज ही नहीं है तुम पर। आज के 1400 साल पहले उन्होंने कहा था कि अपने घर के 40 घर तक तुम्हारा अपना कुनबा है, तो घर के बगल वाले के बात का तो एक नहीं बेटे रखो इसको घर के बाद, घर के बगल का 41वां भी तो आप ही का घर हुआ। पूरी दुनिया विश्व बंधुत्व की भावना थी। तो मैं जो आपको सुना रहा हूँ यकजहती की ये गजल, आफ्ताब अहमद खान साहब ने इसको उस वक्त के नाजुक दौर में इसकी 1,00,000 कॉपी सर छपवा के पूरे महाराष्ट्र में, मुमरा में, बहरामपाड़ा में, जोगेश्वरी में, राबोड़ी में, हर जगह इसको बटवाई। इजाजत दें सलाम, ये जरूरी है हिंदू मुस्लिम कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, सबसे जरूरी चीज है आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। मैं दो चीज वाजे कर दूं, मुझे मालूम है कि मेरे मुसलमान भाइयों के घर में ढोल ताशे नहीं होते, टफ होती है, और कोई भी पाक साफ मुसलमान अपनी जिंदगी में सिवाय खुदा के कहीं अपना सर नहीं झुकाता। अब देखिए गजल कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी कलश तिल तिलक उनके घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। आरती मैं सजाऊं अजा के लिए, आरती मैं सजा दूं अजा के लिए, तेरी ढप से ही मेरा भजन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। ईद होली दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। मैं जो सजदा करूं तू भी सजदा करे,
हमारा मुसलमान भाई कहता है अगर मैं सजदा करता हूँ ठीक है, मैं हिंदू मैं भी सजदा, लेकिन माथा टेकूं तो तेरा नमन हो। हमारा मुसलमान भाई खाली प्रणाम कर ले बहुत बड़ी बात है। तो आयतों में रिचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू, ईद होली दिवाली गले सब मिले, फिर तहजीब गंगो जमन हो शुरू, भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू, मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। अरे दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू, और दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। ये शेर पाकिस्तान के लिए मैंने कह दिया था कि दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, है जरूरी कि आवागमन हो शुरू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे समाज के हमारे कर्णधार यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन सबसे हमको आशीष पाना है। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी बधाई। आप सब लोग जो आए हैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। आज के चीफ गेस्ट और हमारे मुअज्जज मेहमान जनाब इज्जत महाब सुनील प्रभु साहब एमएलए एक्स मेयर, मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं और आप से गुजारिश करूंगा कि आप भरपूर तालियों से जनाब सुनील प्रभु साहब का इस्तकबाल करें। मुझे बेहद खुशी हुई आज आपका अलहरा स्कूल, हम समझते हैं कि वो सुनील प्रभु साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे स्कूल के सरपरस्त हैं। हर मौके पर स्कूल को आपने सपोर्ट किया, स्कूल हमारी हौसला अफजाई की। जब भी हमने मुलाकात की हमारे मिनिस्टर साहब ने, सुनील प्रभु साहब ने हमको ये कहा कि हम स्कूल के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, हर तरह से हम आपका सपोर्ट करते हैं। और हर मौके पर हमने सुनील प्रभु साहब का ताउन, उनका सपोर्ट देखा, महसूस किया, और उसी का नतीजा है कि आज स्कूल इस कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुद की जगह पर कायम हो चुका है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। हम अपने बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सुनील प्रभु साहब का कि आज हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। सलमान गाजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आमदार जनाब सुनील प्रभु साहब का स्वागत करें। मैं अपने मुअज्जब मेहमान चीफ गेस्ट, जिनको थोड़ी जल्दी भी है, मैं उनकी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कुछ अपने तासुरात का, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे और स्कूल के ताल्लुक से उनकी हमेशा एक अच्छा इरादा और मजबूत इरादे के साथ स्कूल के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब सुनील प्रभु साहब से कि वो अपने ख्यालात का इस ताल्लुक से इजहार करें। अलीरा एनजी स्कूल के आज के इस ईद मिलाद कार्यक्रम के अवसर पर मुशायरा का कार्यक्रम हो रहा है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे ये बाजू में सागर त्रिपाठी बैठे हैं और यहाँ बाजू अहमद वसी साहब बैठे हैं। दो शायरों के बीच बैठने का एक अच्छा मौका आज मामा ने मुझे दिया, इसलिए स्कूल का मैं आभारी हूँ। मेरे साथ यहाँ के नगर सेवक, मेरे सहयोगी सुहास वारकर जी हैं, संदीप जाधव जी हैं। जब मुझे बताया गया कि आज की तारीख के कार्यक्रम का आयोजन हम स्कूल में करना चाहते हैं, मैंने कहा समय क्या है, तो मुझे बोले 2 बजे आपको आना है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आता हूँ।
इसका कारण एक ही है कि इस क्षेत्र में जो भी हमारे भाई बहन रहते हैं उनके लिए ईद के दौरान तो हम सब लोग मिलते हैं, लेकिन ईद के बाद हम सारे लोग इकट्ठा आकर अगर ये आनंद सार्वजनिक तौर पर हम खुद इसका अनुभव लेते हैं तो मुझे लगता है कि सच्चे दिल से हम इस आनंद को स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए मुशारा है, मैंने पहले सागर त्रिपाठी जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा समय से आ पहुँचा, अब मेरे बाद शायद बोल चुके हैं, शायद कार्यक्रम खत्म हो चुका है और मैं आया हूँ, अब बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार जब ये कार्यक्रम आप रखेंगे तो बारिश नहीं होगा, लोग शांति से सुन सकेंगे, अच्छी जगह पे हम एक इंतजाम करेंगे और लोगों को इस कार्यक्रम का बढ़िया आनंद देंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम का आयोजन करें, इस आयोजन में जो भी योगदान होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का आनंद हमें सारे लोगों को देना है। आज ईद के दौरान ये कार्यक्रम है, आनंद का महोत्सव है, इसलिए मैं आप सभी को ईद की बहुत शुभकामना देता हूँ। और एक ही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का मैं लोक प्रतिनिधि, जब लोक प्रतिनिधि चुन के आता है तो वो जनता का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, और इसीलिए आपको जब भी रात अपराध मेरे अधिकार की जरूरत हो तो आप केवल बुलावा दीजिए, हम सारे लोग आपके साथ रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, हमारे दरमियान कस्टम डिपार्टमेंट के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जनाब दहीवाला साहब हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जनाब दहीवाला साहब भी अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। जनाब दहीवाला साहब, भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ईद मिलाद सेलिब्रेशन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे भाई साहब जनाब इनामुल्ला साहब, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। बेसिकली दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हमने इसकी आदत लगाना चाहिए कि इस देश का जो नाम है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से इंडिया यानी कि भारत, यानी ये दो ही नाम है, एक तो इंडिया इंग्लिश में या फिर हिंदी में उसका नाम होता है भारत, तीसरा कोई भी नाम इस कंट्री का नहीं है साथियों। इसलिए आप लोगों ने जो आदत अपने बीच में लगाई है इस कंट्री का नाम दूसरे नाम से पुकारने का, वो आपने एकदम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो जिस देश के पर्पज़ के लिए ये देश बना हुआ है, और आप अगर उस और उसी के पर्पज़ के लिए उसका नाम इसको दिया गया है तो वो पर्पज़ जो है वो डिफीट हो जाता है। भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया है वो है इस देश में स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, ये जो तीन प्रिंसिपल, चार प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के ऊपर समाज की रचना और इस प्रिंसिपल के ऊपर इस देश की रचना करने के लिए इस देश की निर्मित हुई है। और ये जो नाम जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, जिन्होंने इस देश की जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उन्होंने जानबूझकर बड़ी सोच समझकर जो है इंडिया यानी कि भारत ये नाम दिया हुआ है। तीसरा कोई भी नाम जो है वो इस देश के साथ में देशद्रोह हो जाता है, इसलिए आप किसी भी तरह से जो है वो इस तरह से देशद्रोह करने की ये कोशिश नहीं करें, हमने इसको इंडिया या फिर भारत ही कहना चाहिए, दूसरे किसी भी नाम से इसको नहीं पुकारना चाहिए। साथियों, अभी एक महीना पहले आपको पता होगा कि जनाब राजेंद्र खरा जो है जस्टिस सच्चर साहब, उनका ये हो गया देहावसान हो गया है, और ये सच्चर कमेटी एक कमेटी बनी थी करीबन 10-15 साल पहले, जो मुस्लिमों में कि इस देश की क्या हालत है, क्या पोजीशन है, इसके लिए इस कमेटी का गठन हो गया था। और इस कमेटी के तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही स्ट्राइकिंग, बहुत ही यानी जो है क्या होते उसको जो है बहुत ही धक्कादायक जो है फाइंडिंग्स कमेटी के हैं। उस कमेटी का ऐसा कहना है कि जिस देश के जो मुसलमान हैं उनकी हालत आज जो पहले जो अछूत हुआ करते थे उनसे भी ज़्यादा खराब हो गई है, और ये जो हालत जो खराब हो गई है कि उन्होंने बहुत सारी उसके पैरामीटर लगाए हैं कि जिस तरह से पहले अछूतों के साथ में व्यवहार होता था उसी तरह से जो है ये आज यहाँ के मुस्लिमों के साथ में व्यवहार हो रहा है। तो ये व्यवहार किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति
होनी चाहे होती है, ये बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली कि जैसे इस देश के जो फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। कोई भी कौन है वो कहा करते थे कि जो शिक्षा है ये शेर का दूध है, शेरनी का दूध है, और जो इसे पिएगा वो घुर्रा बगर नहीं रहेगा। और जो सच्चर कमेटी ने जो फाइंडिंग जो ये किया है कि आज जो मुस्लिम जो कम्युनिटी में है भारत की, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभाव है वो शिक्षा का है। और बेसिकली जो इंग्लिश जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमारे लोगों ने जो है पर्टिकुलर जो मुस्लिम लोगों ने जो है इंग्लिश शिक्षा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए। और हमारे भाई साहब जो इसके लिए जो है वो उन्होंने इस तरह से इंग्लिश स्कूल जो है खोला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपने उस पर भेजना चाहिए इंग्लिश स्कूल में, और उसका जो लाभ जो है उनको करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी एक बीच में वो वाकया भी हो गया था कि एक बहुत बड़ा एक्टर है हिंदी फिल्मों का, वो एक सोसाइटी में घर लेने जा रहा था, एक बड़ी अच्छी सोसाइटी में वो मकान लेना चाहता था, तो वहाँ पे मकान उसको नहीं मिला क्योंकि वो मुस्लिम था। तो उस कि वो इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उसकी ये हालत है, तो सामान्य जो मुस्लिम है उसकी क्या हालत इस देश में होती होगी वो आप आपने समझना चाहिए। बेसिकली जो हमारे फाउंडिंग फादर, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर जो चाहते थे, वो कहते थे कि अगर उस तरह से अगर इस देश का अगर जो सहयोग होता है, उस देश की समाज रचना होती है, तो इस देश का वो सबसे बड़ा संकट आया हुआ संकट होगा। वो जो संकट जो है वो अभी हमारे देश में दस्तक आने इस पे देश पे जो है दस्तक दे रहा है, तो उससे उस संकट से कैसे निकलना है ये हमने और आपने दोनों ने मिलकर सोचना होगा। अदरवाइज वापस जो है हम लोग उसी तरह से चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे तस्वीरें वायरल हो रही है किस तरह से जो है वहाँ पे वो अभी हापुड़ में एक आदमी को जो है कि मेयर शक्के वो था भी नहीं बेचारा, शक्के बिना पर जो है उसको बड़े बेर में से मारा गया, ईद के मौके पर उसको मारा गया, और वहाँ पे पुलिस जो है बड़े इसमें शान से उनके सामने चल रही है। तो इस तरह का जो है माहौल इस देश में पैदा हो रहा है, और ये जो माहौल है जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो इस देश में जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तत्वों के आधार पर जो है इस देश की निर्मित करने की जो बात कही थी उसके एकदम अपोजिट। तो ये है कि हमने जो है ये सारी चीज़ों के ऊपर की बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, इसमें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के इसमें बहुत ही ये है, और समाज में क्या हो रहा है इसकी उसको फिक्र नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी जो चल रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि अभी भाई साहब ने मुझे कहा है कि इसमें बच्चे हैं आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद तो देंगे बिल्कुल भी, उसी के लिए हम आए हैं, पर हम इस देश में मसावाद चाहते हैं, इस देश में हम लोग भाईचारा चाहते हैं। क्या मसावाद जो है इसके लिए पैगंबर साहब ने ये नहीं किया? तो हम जो बात कर रहे हैं वो मसावाद की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। और अगर ये भाईचारे को अगर ऊपर ये करा, अगर कुछ अटैक होता है या मसावाद के ऊपर कोई अटैक होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर ये किया। मैं वापस आप लोगों को इसके लिए मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आपको ईद की जो है शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें कोई भी किसी भी तरह पॉलिटिक नहीं था, जो समाज की जो हालत है ये देखकर हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे देश की निर्मित किस बात के लिए हो रही थी और हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे लिए आपके लिए सभी के लिए चिंता की बात है, और इसमें हमने थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए। इतना कर आपने मुझे जो यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। मैं अगर मौलाना शेख कोटी साहब से गुजारिश करूँगा कि एडवोकेट सुहास वाडकर साहब को गुलदस्ता पेश करेंगे। मौलाना शेख कोटी साहब, सुहास वाडकर साहब नगर सेवक। हम अब्दुल खालिक भाई को से गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और संदीप यादव साहब को गुलदस्ता पेश करें। संदीप यादव साहब, मेरे भाई शानुल्ला खान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। शानुल्ला खान साहब हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि
अहमद वसी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हमारे दूसरे भाई रिजवान खान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और मामा की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। जनाब सागर त्रिपाठी साहब, कारी साहब से गुजारिश करूंगा मैं कि राशिद अदीम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। कारी साहब इधर बैठ जाइए, इधर है। हमारे कादर भाई की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, इधर आए, और सलमान गाजी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। उबैद जी, क्या उबैद हमारे आसिफ भाई वो ग्लोबल ट्रस्ट के रोहे रवा हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दही वाला साहब एडिशनल कमिश्नर कस्टम डिपार्टमेंट के खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे। आसिफ भाई प्रोफेसर चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे मौजूद मेहमान हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में बाबुल भाई गुलदस्ता पेश करेंगे। प्रोफेसर चौहान साहब तशरीफ लाएं स्टेज पर। लोगों की मामा आपसे बार बार लोगों की इल्तिजा है कि और भी कुछ सुनाएंगे। हाँ अभी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ऐसा है कि जो मेरी शरीके हयात मेरी अहलिया हैं वो एक गजल सुनने का मुझसे 100 रुपया लेती है। आप मुफ्त में सुनने को राजी हैं, आपसे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, आपको जितना कही आपको सुनाते हैं। देखिए मैं मेरी जिंदगी जो है वो एक बात का मैं जवाब कस्टम के अधिकारी हैं इन्हें देना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं और आप सब अपनी गिरह में बांध लीजिए और ये बताने वाला सिवाय मेरे आपको पूरी कायनात में कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कैमरे के सामने आपसे बोल रहा हूँ। मैं विश्व ब्राह्मण परिषद का वर्ल्ड प्रेसिडेंट हूँ, सिर्फ भारत का नहीं, और वर्ल्ड सूफी काउंसिल का नायब सदर हूँ, एक ही हिंदू जो दोनों पद पे है। आपसे एक सवाल मैं कर रहा हूँ भाई जान, भाई साहब, एक पाक साफ मुसलमान रोजाना 5 वक्त की नमाज, शाबान और रमजान में तहज्जुद और बाद की नमाजें छोड़ दीजिए, एक दिन में 5 बार की नमाज में कमोबेश 108 से 110 बार इस जमीन पे अपनी जबी अपना माथा रखता है,
यानी महीने में 5000 बार, साल में 60000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार। अरे एक तो कोई जियाला और किसी और का कौम का लाके दिखा दीजिए जो 50 लाख बार इस सरजमीन पे अपनी जबी रखता है। किसकी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ गई भाई? इस्लाम 1400 साल पहले आया है और अगले 1400 लाख वर्ष तक ऐसे ही शादाब आबाद और इसका जलवा ऐसी रहेगा। मेरे घर आइए, मैं आपको बताऊंगा कल की अवतार। आप में से कोई भी मनुस्मृति देखिए, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है, हिंदी में बता रहा हूं। व्रात्याय भूज कंटक पौशुद्ध शांडिल्य शेख और सैयद, ये आर्यवर्त के वो ब्राह्मण हैं जिनको 9×9 9 टाइम्स 9 81 9 जिनके परिवार में किसी गलत संबंध से कोई औलाद न पैदा हुई हो, ऐसे सलीकेमंद बेटे को ब्राह्मण कहा जाता है। जब आप 9500 साल पहले शेख और सैयद थे तो आप उनको 1400 साल में क्यों महदूद कर रहे हैं? जिंदाबाद, आप सब सलामत रहें, आप उतने ही बड़े लाडले हैं। मेरी परवरिश एक ऐसी खातून की गोद में हुई है, हमारी बेबे माँ, मुझे मालूम है। आप हमारे उस्ताद मोहतरम से पूछिए, हिंदुस्तान में तनहा आदमी हूँ, इफ्तारी के लिए रमजान के महीने में मेरे घर पे हम रहे या न रहे, 10 मुसल्ले रखे हुए हैं, मुकद्दस कुरान शरीफ हर कोने में रखा हुआ है, सऊदी से आया हुआ आबे जमजम और खजूर रखा हुआ है। हमारे दोस्तों को, मुसलमान भाइयों, इरफान यहाँ कहीं होगा, उसे खड़ा करिए, वो बताएगा, वो देखिए, वो भी मेरा सगा भांजा है, ये भाईजान भी मेरे भांजे हैं, ये जो अभी आए ये भी मेरा भांजा है। हमारे घर में मेरे रहने न रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ्तार का वक्त, अरे इफ्तार का वक्त है, भाईजान क्या उनको मालूम है, नमक खजूर रोटी चटनी और आबे जमजम उनको मिल जाएगा। ये हमारी मुश्तरका तहजीब है, इसकी आप पजीराई करिए। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो चुका। आइए, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि भाईजान के लिए हमारे जो इंतजामिया हमारे हेड हैं, वैसे तो मेरे भांजे हैं, ये गजल खास तौर से आपके लिए। कहां कहां, देखिए, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, जुनून दिल में हो पंखों में जान पैदा कर, उड़ान भरनी हो खुद आसमान पैदा कर, तब तक दुनिया के भरोसे कम नहीं। खून उबालने की शायरी हम भी जानते हैं, बहुत पहले मैंने अहमदाबाद में इसे सुना दिया था कि धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, खुदा बने ऐसा कोई इंसान नहीं है, और एक मुशर्रफ सारा पाकिस्तान नहीं है, महज गोदरा पूरा हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन ये शायरी थोड़ी है, अरे मोहब्बत की बात करिए, दिल जोड़ने की बात करिए। गजल खास तौर से आपके लिए कि कहां कहां दबकर झिझककर बोलता है, कहां दबकर झिझककर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। शेर सुनिए, मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशू मैं तो पत्थर बोलता है। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बातें इशारों में कहते हैं, हमारी आप लड़ाई झगड़े झगड़े की बात नहीं है। खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है, और घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है।
घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। और ये दो शेर इस जियाली कौम के लिए है कि सदाकत, भाई साहब इस पवित्र धरती के हम आप रखवाले हैं, दुनिया में कोई भी मेरे साथ बैठिए, मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, पूरी मुकद्दस कुरान शरीफ हमने हजारों बार दिन रात उसी में डूबा रहता हूं, एक जगह कहीं मुस्लिम लफ्ज नहीं लिखा मेरा। और हिंदू कोई जात कौम नहीं है, इस आर्यावर्त में सिर्फ दो जातियां थी, आर्य और द्रविड़। अगर गोरा चेहरा, मुझे इजाजत दे क्योंकि बात ऐसी निकल आई थी यहां, गोरा चेहरा सुतवा नाक लंबा कद चौड़ा माथा, आप आर्य है, आर्य है, आर्य है। और जो थोड़ा सा कद छोटा सांवला कद नाक चुप्पी छोटा कद, वो द्रविड़ थे। कालांतर में जब एक दूसरे के परिवार में शादी हुई तो या तो वो आर्यो द्रविड़ बन के आए या द्रविड़ो आर्य बन के आए। इस्लाम मोमिन है आप, इस्लाम मजहब ही नहीं है, मजहब तो उसका एक हिस्सा है, ये मुकम्मल जीने की एक ऐसी पद्धति है, आप उसको किसी मजहब से मत जोड़िए। इस खाकसार से मिलिए, मैंने सरकार दो आलम के मुए मुबारक को बाल को इतने करीब से देखा है, मैंने सरकार दो आलम के पैराहन को उनके कपड़ों को इतने करीब से देखा है। इस्तांबुल में जाइए, जुल्फिकार हैदरी कम से कम हजरत 10 किलो की तलवार है, 12 इंच का बाल, बनी इस तरह से कि अगर अदू पे दुश्मन पे गिरे तो जमीन तक चले। सरकार दो आलम की शमशीर पतली सी, एक नजर में शमशीर लगती है, अल्लाह शाहिद लगता है जैसे गुलाब का फूल हो। मैंने अबू हुरैरा की छड़ी देखी है, खालिद बिन वलीद की दस्तार देखी है। अब आप मुझे बताइए किससे मुझको सनद की जरूरत है कि मैं पंडित हूं कि मुसलमान हूं, क्या हूं बताइए ना। तो मोहब्बत करना से एक शाहकार दीन का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। अरे उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। बेझिझक पहुंचे बर्मला पहुंचे, नूर तक नूर आशना पहुंचे, चांद को संगे मील ठहरा कर अरशे आजम पे मुस्तफा पहुंचे। अरे बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी कोई भी कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मने रसूल नहीं। तो कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। ये दो शेर इस जियाली कौम के लिए कि सदाकत, अजीम भाई सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेजे पे चढ़कर बोलता है, सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेजे पे चढ़कर बोलता है। कबूतर सैयद घराने का परिंदा है कि बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर बोलता है। और वो शेर जिसके लिए ये गजल कही गई है, उस्ताद मोहतरम के कदमों में गाजी साहब रख रहा हूं कि नई तहरीक मिलती है खिरद को, रामधारी सिंह दिनकर जी लाल किले के मुशायरे पे काव्य सम्मेलन में बैठे हुए थे, नेहरू जी चढ़ रहे थे ऊपर चढ़े लड़खड़ा गए, धीरे से दिनकर जी ने कहा कि जब सत्ता और शासन जब जब लड़खड़ाता है साहित्य जो है उसकी रक्षा करता है। तो ये जो विद्यालय है आज इसकी साइज में यहां से निकलने वाले बच्चे, कल इन्हीं में से कोई हमारी बेटी शकुंतला बनेगी और कोई बेटा इसमें अबुल कलाम आजाद बनकर निकलेगा। तो जोरदार तालियां उनके लिए। नई तहरीक मिलती है खिरत को जुनू में जब सुखनवर बोलता है, आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा मुझसे भी बनाए, एक रिश्ता जरा हम सब से बनाए रखिए, हम तो शायर हैं गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। मैं मौलाना जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि
हिंदी में हमने कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन मंगवाया है अपने भाइयों के लिए, गिफ्ट के तौर पर मैं देना चाह रहा हूँ। ऐसा हाथ में दे दीजिए ना, हाथ में दीजिए, थैली में, थैली बंद हो गया, पकड़ेगा, हाँ थैली पकड़ के दे दीजिए, डॉक्टर साहब में दिया जा रहा है अपने भाइयों को और बिरादरान वतन को, और खास तौर से हिंदी लैंग्वेज में, आसान जबान में। हाँ नहीं वाला था, और चौहान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और ये भेंट कबूल फरमाएं। चौहान साहब, महेंद्र भाई, बाबुल भाई और उनके दूसरे दोस्त, दूसरे साथी जो आए हुए हैं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। चौहान साहब के साथ, महेंद्र भाई के साथ जो लोग भी आए हुए हैं, जो दोस्त, सबसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। हाँ देखिए सर, असल सर को लेके जाओ स्कूल की तरफ। चौहान साहब, प्रोफेसर चौहान साहब, बाबुल भाई, महेंद्र भाई, चौहान साहब के लिए आइए ना सर। आमना सामना शाहीन पटेल साहब, आमना सामना की मैं राशिद अजीब साहब की खिदमत में दरखास्त करूंगा कि अपने ख्याल के साथ। मोहतरम हजरात, सामान्य कराम और मंच पर बैठी हुई सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियात, मुकद्दस शख्सियात, जिसमें सबसे पहले मैं जनाब सागर त्रिपाठी साहब को यहाँ देखकर बड़ी मुझे खुशी हो रही है, अहमद वसी साहब है, असलम गाजी साहब है और जनाब शोएब कोटी साहब है, हमारे कस्टम ऑफिसर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल कस्टम ऑफिसर क्या नाम है, कई वाला साहब है यहाँ पर, और हमारे बिरादर वतन दोस्त अहबाब, बहुत नाम जिनके खुशियात नहीं जानता, हमारे दोस्त जफर साहब, अल हीरा फाउंडेशन, अल हीरा इंग्लिश हाई स्कूल की जानिब से आज का ये ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब जो इस स्कूल के रूह रवा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के भी बम्बई के जनरल सेक्रेटरी हैं, और
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के साथ साथ मुफ्ती इनामुल्ला खान साहब की शख्सियत बम्बई में और हिंदुस्तान में उलमा कराम की सफ़ों में अपना एक मकाम रखती है, ये इस इलाकों के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत फख्र की बात है। मुफ्ती साहब ने इस ऐसे इलाके में जहाँ हम ये कह सकते हैं एक ज़माने में ये बहुत ही सरम इलाका था, यहाँ पर तालीम की बहुत ही कमी थी और स्कूल की बहुत कमी थी, कि यहाँ के बच्चे जो महरूम रहा करते थे कि भाई उन्हें बड़ी परेशानी हुआ होती थी कि भाई हम दाखिला कहाँ लें, और ऐसे इलाके में स्कूल की बुनियाद रखना, इस इलाके के साथ में मुफ्ती साहब का जो लगाव जो है वो ये नज़र आता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके के लिए लगा दिया, इस स्कूल के लिए लगा दिया। चौधरी साहब, जैसे कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि यहाँ पर कुछ शरपसंदों ने मुफ्ती इनामुल्ला खान साहब को परेशान करने की कोशिश की, वो हम तक बात आई, उन्होंने इस जगह पर इस स्कूल की कुछ जगह पर भी शायद कब्जा करने की कोशिश की, मेरी जहाँ तक जानकारी है। मैं समझता हूँ मुफ्ती इनामुल्ला खान साहब कि आप जो है किसी शरपसंद की मजाल नहीं है कि आपको जरा भी नुकसान पहुँचा सके, जब आपके साथ इतनी बड़ी शख्सियात है, बड़ी बड़ी महत्व हस्तियाँ हैं जो आपके लिए शाना बशाना हमेशा खड़ी है, आपके साथ इस इलाके के नगर सेवक हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, मिनिस्टर सुरेश प्रभु साहब हैं, और ये सारे लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये आपके साथ आपके आवाज़ पे आधी रात को आपके साथ यहाँ खड़े होने के लिए बिल्कुल पाबंद नहीं यहाँ पर क्या, आप हमें जब बुलाएंगे हम यहाँ पर हाजिर रहेंगे, और ऐसे शरपसंदों को गुंडों को हम जवाब देने का बिल्कुल बिल्कुल हमें पता है कि ऐसे लोगों को किस तरह जवाब देना है क्या। आप अपने काम कीजिए, और अब आते हैं प्यार मोहब्बत की बात की तरफ। मुझे मजबूरी में ये बात रखनी पड़ी कि आप तक भी ये बात पहुंचे कि मुफ्ती साहब ने इस स्कूल को यहाँ तक पहुंचाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा किया है, और इन मुश्किलात में हम यहाँ पर स्टेज पर आए, दो मिनट भाषण दें, उसके बाद जब मुश्किल वक्त आए तो हम उनके साथ न खड़े हो तो ये बहुत नाइंसाफी होती है। मैं अब आते हैं, जैसे कि सागर त्रिपाठी साहब ने प्यार अखवत भाईचारगी और मोहब्बत के रंग भी खेल दिए, कभी कभी मुझे ख्याल आता है प्यार अखवत भाईचारगी मोहब्बत कभी अपने किताबों में पढ़ा था, आज लोगों के दिलों से ये जो जज्बा है ये खत्म होता जा रहा है या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे कस्टम ऑफिसर साहब ने कुछ बातें यहाँ छेड़ी सेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, और हिंदुस्तान के नाम, भारत और इंडिया के नाम को लेकर, ये मौजू बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें बार बार बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी फिक्रमंदी के ये उनवान है जिस पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये वक्त नहीं है कि हम इतनी लंबी बात कर सकें, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान जो कहा जाता है ये एक साजिश के तहत कहा जाता है, असल नाम यकीनन इसका नाम भारत है, इंडिया है, और आज मसला ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है सिर्फ नाम की बात नहीं, हिंदुस्तान के नाम को ख़त्म करने की बात नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, इस देश के संविधान को भी नुकसान पहुँचाने की बात है। आज हम सब भाइयों को, चाहे हम हिंदू हों मुसलमान हों, इस देश के सारे भारतीयों को उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है और इस देश को बचाने की ज़रूरत है। मैं इतना कहते हुए ये कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम की, ऐसी तकरीबात की आज के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब भाईचारा था, जब बहुत मोहब्बत थी उस टाइम तो हुआ करते थे, लेकिन आज इस देश में, इस देश के सारे जबान के मानने वाले, दीगर तबके के मानने वाले, अलग अलग समाज के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो जितना बांटने की कोशिश करेंगे हम आप मिलकर उतना ही जोड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वादे के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब। मैं मौलाना ज़फ़र आलम साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। मौलाना ज़फ़र आलम साहब ये जमात इस्लामी के अमीर हलका हैं, मौलाना ज़फ़र आलम साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहाँ पर बातें ऐसे कुछ है नहीं, अलबत्ता चंद बातें हैं जो आमतौर से समझना चाहिए।
और बात बात ये आ रही थी, बात मोहब्बत की बातें आ रही थी। एक मुसलमान या एक इंसान जब पहला लफ्ज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, एक पहला जुमला है जो वो जिंदगी भर कहता है। और तमाम इंसान जितनी भी मखलूकात है वो सारी मखलूकें ये बात को कहती है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। कुछ मखलूक ऐसी जिसको जिसका शोर नहीं है फिर भी वो कहती है, अल्लाह ने बेशुमार मखलूक पैदा किया। लेकिन असल में जो समझना है वो बुनियादी बात ये है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। रब के माने आता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। परवरिश करने वाला जो ज़मीन पे माँ बाप भी होते हैं और अल्लाह ताला भी परवरिश करने वाला पालनहार है। आप दोनों को एक लाइन में आप रखें आपको समझ में आएगा। एक बाप क्या चाहता है अपने बच्चे से, बाप बच्चे का पालने वाला है, पालनहार है। बाप क्या कहता है बच्चे से, बच्चा के लिए बाप ये सोचता है कि ये क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, क्या नहीं पहने, किससे मिले, किससे नहीं मिले, कब सोए, कब उठे।